अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आई एम योर मैथ टीचर मिस मदीहा एंड टुडे आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 54. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हमने क्या करना है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं. टेक अवे 1500 फ्रॉम 2500, द रिज़ल्ट इज. टेक अवे क्या होता है, निकाल देना. हमने क्या करना है, 1500 को 2500 में से माइनस करना है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2500 माइनस 1500, इनको अब हम करेंगे माइनस. ज़ीरो में से ज़ीरो को हम माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो. ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया, हमारे पास आ गया ज़ीरो. फाइव में से फाइव को माइनस करें, आंसर हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो. टू में से वन को माइनस किया, आंसर क्या आया, 1000, एंड द आंसर इज़ 1000. अब हम ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन था 1950, सेकेंड ऑप्शन है 1000, थर्ड ऑप्शन है 3000, फोर्थ ऑप्शन है 4000, और हमारा आंसर क्या आया है, 1000. तो हमने क्या करना है, 1000 को टिक कर देना है. पार्ट बी पे आ जाते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम द सम ऑफ 1200 एंड 7500 गिव्स. हमने क्या करना है, सबसे पहले 1200 और 7500 को करना है प्लस, यानी इन दोनों का सम मालूम करना है. उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें से हमने 200 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने क्या किया, बड़ी अमाउंट को ऊपर लिखा, 7500 माइनस प्लस 1200, इनको करेंगे हम प्लस. ज़ीरो में ज़ीरो हम ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो. ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो हमारे पास आ गया ज़ीरो. फाइव में हमने टू प्लस कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया सेवन. सेवन में वन प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, एट. एंड हमारे पास आंसर आया है 8700. अब हमने 8700 में से 200 को करना है माइनस. ये हमने 8700 लिखा, माइनस 200 लिखा, अब इसको करेंगे हम माइनस. ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ज़ीरो. ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस किया, आंसर आ गया ज़ीरो. अब हमने सेवन में से टू को माइनस करना है, क्या आएगा आंसर हमारे पास, फाइव. एट के नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो एट हमारे पास वैसे नीचे आंसर में आ जाएगा. तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आता है, 8500. अब ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन था 8700, सेकेंड ऑप्शन है 8900, थर्ड ऑप्शन है 8500, फोर्थ ऑप्शन है 8000. हमारा आंसर क्या आया है, 8500. तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे. पार्ट सी पे आ जाते हैं. रन अहेड रुपीज़ 4500, शी स्पेंट रुपीज़ 3613, शी इज़ लेफ्ट विथ. हमने क्या करना है, रना के पास जो अमाउंट थी उसमें से जो अमाउंट उसने स्पेंट की है, खर्च की है, उस अमाउंट को करेंगे हम माइनस. रना के पास अमाउंट थी 4500 माइनस उसने जो खर्च की 3613, इसको कर देंगे हम इन दोनों को माइनस. ज़ीरो में से थ्री को हम माइनस नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है, कैरी लेना है. और ज़ीरो में से वन नहीं माइनस हो सकता, इसके लिए भी हम कैरी लेंगे. फाइव में से हम सिक्स माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए भी हम कैरी के लेंगे. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस फोर में से हमने इधर लेना है कैरी, इधर हो जाएंगे हमारे पास 15. 15 में से हम यहाँ कैरी ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास कितने बचेंगे, 14. इधर से हमने इस ज़ीरो पर कैरी ले लेना है और यहाँ हमारे पास बच जाएंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 10. अब हमने 10 में से 3 को माइनस करना है और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7. 9 में से 1 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8. 14 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8. यहाँ हमने कैरी ले लिया था तो हमारे पास 4 में से 1 कैरी गया तो 3 बाकी बचे. 3 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0. एंड टोटल आंसर इज़ 887. ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रुपीज़ 8113, सेकेंड ऑप्शन है हमारा रुपीज़ 913, थर्ड ऑप्शन है हमारा रुपीज़ 887, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रुपीज़ 837.
हमारा आंसर आया है 887, ऑप्शन सी, इसको हम कर देंगे टिक। अब आ जाएं पार्ट डी पे। राफे इज़ 136 सेंटीमीटर टॉल, अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल। राफे इज़ टॉलर देन अनम बाय, हमने देखना है कि राफे अनम से कितना लंबा है या टॉल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों अमाउंट्स को माइनस करके देखेंगे। राफे की हाइट थी 136 और अनम की हाइट थी 127, इन दोनों को हम करेंगे माइनस। 6 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इधर से 3 में से हमने 1 कैरी ले लिया। 1 कैरी लिया तो हमारे पास यहाँ हो जाएंगे 16 और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2। 16 में से हमने 7 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, 9। 2 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। एंड द आंसर इज 9। मोशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 109 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आया था, 9। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम कर देंगे टिक। अब आ जाते हैं पार्ट ई पे। 5872 माइनस 2167 इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को माइनस करके देखना है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखनी है अमाउंट 5872 माइनस 2167, एम को करेंगे हम माइनस। 2 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है, इधर से हमने 1 कैरी लिया, 1 कैरी लिए तो हमारे पास आगे यहाँ पे 12, 12 में से 7 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 5। सेकंड पे आ जाते हैं, 7 में से हमने 1 कैरी ले लिया तो हमारे पास कितने बचे, 6, 6 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। 8 में से 1 को माइनस करें हमारे पास आंसर क्या आता है, 7। 5 में से 2 को माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 3। एंड द टोटल आंसर इज 3705। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8839, सेकंड ऑप्शन है 3715, थर्ड ऑप्शन है 3705 और फोर्थ ऑप्शन है 395। हमारा आंसर क्या है, 3705। उसको हमने क्या करना है, ऑप्शन सी को टिक कर देना है जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा।